आ जाइए। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के दो हिस्से कर दिए, कॉन्टिन्यूटी अलग और डिफरेंशिएबिलिटी अलग। हम तो एक साथ नाम लिख रहे हैं, ये और बात है कि हम जानते हैं हम सिर्फ अभी कॉन्टिन्यूटी पे ही बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, राइट है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट है। आइए, क्या है ना, अपनी परंपराओं में से एक है, मतलब दिन कितना भी गम भरा हो लेकिन त्योहार मनाते रहना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या है, लाइफ बनी रहती है। आपको ऊपर वाले को लगता है यार बहुत ही रिजिड आदमी है, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे ना, तो भले अपने को पता चला है पिछला चैप्टर आता है नहीं आता, लेकिन अपन पूरे मनोबल से ध्यान है, चल अगला ठीक कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देखिए सब, सबसे पहले पहली लाइन तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, जो बेसिक लाइन है सभी जाने लिखवाते हैं, मैं भी लिखवा देता हूं, ठीक है ना। इफ वाइल ड्रॉइंग ग्राफ, इफ वाइल WHILE वाइल ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इफ वाइल ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, वी डू नॉट लिफ्ट पैन, वी डू नॉट लिफ्ट पैन, PEN पैन, ठीक है ना, देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेमन लैंग्वेज में इसे ऐसे ही लिखा और बोला जाता है, ग्राफ बनाने के दौरान अगर आपने पेन उठा लिया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है, और अगर आपका पेन लगातार ड्रॉ करता गया इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। क्या भी बात समझते हैं, सीधी सी भाई आम जानकारी। मैं आपके सामने अगर भाई देवे ये बोलता हूं कि भाई मैंने एक ग्राफ बनाया वो ऐसा था, तो इसका मतलब क्या मैंने चौक उठाया, बिल्कुल, तो ये डिसकंटिन्यूस है। अगर भाई देवे यही मैंने आपको कहा होता कि नहीं मैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है, यस एग्जैक्टली इट इज कॉन्टिन्यूस, तो मतलब ये कि इट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, इतना सिंपल है। आम आदमी के जुबान में तो चीजें बहुत आसान है, भाई पेन नहीं उठा तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, और पेन अगर उठ गया तो डिसकंटिन्यूस है, तो दो आ ये भी लगा लो ताकि आपकी थोड़ी एंट्री थोड़ी स्मूथ हो जाए। सही है, अगले पॉइंट पे आता हूं फटाफट से, खटाखट चल रहे हैं भाई अपन, है ना। अगला पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा सेकेंड पॉइंट पे, लिखिएगा कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x is equal to a if LHL is equal to RHL is equal to f of a, the function is said to be continuous at x is equal to a if LHL equal to RHL equal to f of a, ठीक है, और इसके सिवा प्रॉपर बात क्या है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सही है। नोटेशंस में इन्हें ऐसा कहने के साथ साथ जो बेसिक है वो तो यही कहता है कि इसी चीज को हम लोग दोबारा ऐसे भी बोलते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट है, यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने एक ही चीज तीन बार लिखी है, पता होना चाहिए, मैंने कोई भी डिफरेंट नहीं लिखा, LHL ही LHL की जगह जाता गया, बस नोटेशंस बदलते चले गए, ये बात समझ में आ गई।
ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों ने कहा, इस जगह पर कई लोगों की राय आ सकती है कि सर जब LHL RHL बराबर ही हैं, ठीक है ना, तो इसी चीज को आप ऐसे क्यों नहीं लिखते कि जब LHL RHL दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, तो आप ऐसा क्यों नहीं लिख लेते कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। मैंने कहा ये लिखना भी गलत नहीं है, सही है। और क्योंकि आपने ऐसा लिख दिया इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लिमिट से आने वाला आंसर होगा, इसलिए इट इज लिमिटिंग वैल्यू, और ये फंक्शन में डायरेक्ट अफेक्ट करके आने वाला आंसर है, इट इज फंक्शनल वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि कभी भी फंक्शन a पर अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब a पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है। बात समझ में आई, है ना। अब ये कहानी क्या है और क्या नहीं है वो समझाने की कोशिश करता हूं। भाई कहानी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इट्स अ ब्लाइंड मैन थ्योरी, ठीक है ना, अंधे आदमी की थ्योरी है। आप समझो कैसे, मान लीजिए ये जो टाइल्स है जिस पे मैं अभी राइट नाउ खड़ा हूं, ये x इज इक्वल टू a है, अगली वाली टाइल्स इज f ऑफ a माइनस a प्लस h, और जो पिछली वाली टाइल्स है दैट इज f ऑफ a माइनस h। अगर बाय द वे मैं किसी को भी रास्ता बता रहा हूं जो इक्वली ब्लाइंड है, तो मैं ऐसे तो रखूंगा ना पैर, एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और मैं तीनों मैं तो देख ही नहीं पा रहा ना, तो मैं तो सिर्फ फील करूंगा अरे ये तीनों बराबर हैं, तो मैं कहूंगा हाँ ये टाइल तक तो कोई लफड़ा नहीं है, सही है ना, मैं कहूंगा हाँ बराबर है, पीछे आ जाओ कम ऑन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। लेकिन अगर बाय द वे मैं यू चल रहा हूं, जब मैं कहूंगा एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, समझ में आया नहीं आया, तब मैं आपको रोक दूंगा कि नहीं नहीं लफड़ा है, ए पे कोई लफड़ा है, समझ में आया कि नहीं आया। इट्स अ ब्लाइंड मैन थ्योरी, अगर तीनों बराबर हैं तब आप उस पॉइंट पे बोलते हो यहां तक कोई पंगा नहीं है, यहां तक कोई पंगा नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई। अगर आगे या पीछे किसी भी पॉइंट पे लफड़ा आ गया तो आप मना करते हो, तो नहीं 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 इस जगह पे कुछ चक्कर है यार, क्योंकि आप अंधे हो, आप परफेक्टली देख तो नहीं सकते हो कि आगे वाली टाइल से पीछे वाली टाइल, आप तो सिर्फ एक 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 है ना फ्लूक फेंकते हो कि भाई इस जगह कुछ गड़बड़ है देख लेना, ठीक है ना, संभल के आना, यही होता ना, ऐसा ही खेल है ये। तो अब अपने को क्या याद रखना है, हमको तो ये याद रखना है कि a पर अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू f ऑफ a। नंबर टू, अगर a पे कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। मैंने कई लोगों को इस पे खड़े खड़े मरते हुए देखा है, खत्म कर देते हैं चैप्टर। आप सोचो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मैं अभी जो 10 मिनट में बताऊंगा ना चैप्टर खत्म, लगभग थ्योरेटिकली खत्म है। आप सोचोगे इतना छोटा चैप्टर है आप सोच नहीं सकते, थ्योरेटिकली खत्म है। हाँ इसके इलस्ट्रेशंस बहुत विविद हैं, वो एक अलग स्टोरी है, बट इसकी थ्योरेटिकली अगर आप सोचो, अगर एक बच्चा मुझे ये नहीं बता सकता तो मैं हैरान नहीं हूंगा, तो क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि कोई फंक्शन x = 6 पे कंटीन्यूअस बेटा, इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 पे कंटीन्यूअस माने 6 पे ग्राफ बराबर है आम आदमी की जुबान में। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 6 fx = f ऑफ 6, या मैं कह सकता हूं f 6 माइनस एच इज इक्वल टू एफ 6 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 6। ये तीन लाइनें बोलने में वो एक पूरा साल लगा रहा है, तीन लाइनें 6 पर कोई कंटिन्यूस है, इसका मतलब खटखट खटखट ये गिनना है आपको, थोड़ा एक बार के लिए पैनिक हो सकता है, बट वो पैनिक तभी होगा जब मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा बेटा बोल, क्योंकि आप अपने मन से तो कुछ बोलने वाले नहीं, आपका पहला मन तो यह कि छटपटा के भाग जाऊं, ये तो मेरा कंट्रोल है ना, अरे ये तो मेरा कंट्रोल है, अरे मैं अगर भाई तो आपके साथ उल्लड़ मचाऊं तो आप तो पलट के ज्यादा उल्लड़ मचाओगे ना, नहीं है, हाँ ये तो मेरे काबू में है ना, तो मैं आपको वही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये तो आपको बोलना है, आपको चॉइस नहीं है, या तो आप चैप्टर खत्म कर दो, खराब करा भाग गए, ठीक है, और या फिर आप क्या करो मेरे साथ बताओ और मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि लिमिट, मतलब मैंने कहा कोई फंक्शन x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है। एक सेकेंड, पहला f 0 माइनस h इज इक्वल टू f 0, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f 0। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन क्रॉस में पूछता हूं, अगर कोई फंक्शन x = b पे कंटिन्यूस है तो fb बराबर क्या होगा,
लिमिट एक्सटेंड्स टू बी एफ एक्स। थोड़ा चबा के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं। आप दो बातें करते हैं, तो गलत बोलते हैं सही बोलते हैं, दोनों ही केसेस में हमें पता है। आप में से कई लोग क्या करते हैं ना, लिप सिंकिंग की कोशिश करते रहते हैं, मतलब मुंह चलता रहता है पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, वो हमें भी दिखता है। इससे बड़े ओरिजिनल हो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप चुप भी हो तो मैं आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं ना रहा हूं, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप सपोर्ट कर रहा हूं मैं आपका। रेडी, दोबारा पूछता हूं। अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो f1 कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx। ये हमारी सबसे आसान और सबसे मुश्किल जगह है। आप बोलते नहीं क्योंकि आपने कभी बोला नहीं। अब आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे मेरे को आपके मुंह से निकलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खराब कर लोगे चैप्टर। गानी पकड़ में आ गई, ये पहली चीज। और दूसरा बाकी अपन कल करते हैं, क्योंकि बेल बज गई, ठीक है ना।